के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11वीं परिसर का एएसआई सर्वे का कार्य दूसरे दिन हुआ पूरा, मुस्लिम पक्ष के लोग भी हुए शामिल। शनिवार को झूमकर बरसे बादल, शहर हुआ पानी पानी, प्रमुख मार्गों पर रही भीषण जाम की स्थिति। जलकल विभाग की वित्तीय अनियमितता को लेकर कचहरी स्थित जलकल विभाग पर दिया गया धरना। और नमामि गंगे ने पचकोशी यात्रियों पर बरसाए फूल, किया सम्मान, जल संरक्षण का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का कार्य दूसरे दिन पूरा हुआ। दूसरे दिन सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल हुए। हाईकोर्ट के निर्देश के आदेश के पश्चात शनिवार को दूसरे दिन ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का कार्य पूरा हुआ। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल हुए। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम एएसआई सर्वेक्षण से संतुष्ट हैं। कल तक हम भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन आज हम भाग ले रहे हैं और एएसआई टीम की सहायता कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी की आई है, अखबार में मैंने देखा भी है, मैंने भी पढ़ा है अखबार में। हमारे अखलाक साहब हैं खाली, और अभी अखलाक साहब पहुँचे होंगे। नहीं, पहुँच गए होंगे, पहुँच गए। नहीं, कोर्ट ने कुछ नहीं, कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, कोर्ट ने कुछ कहा नहीं, ना तो हम लोगों को एएसआई सर्वे ने कोई नोटिस दिया अभी तक आने के लिए। हाँ, आने के लिए। अजीब का कहा जाए कि वो मतलब प्रोसीजर जो है उसके विरुद्ध काम है। अब जब काम शुरू हो गया तो जानी पड़ेगा। सर, जब एएसआई ने आपको नोटिस नहीं दिया, इस बात को कोर्ट में आपने बोला? हाँ, मैंने कल कल कोर्ट से कहा, रजिस्ट्रार से कहा था कि न तो कोई वो रिट जारी हुई एएसआई को, न तो एएसआई ने किसी को नोटिस दिया राइटिंग में। प्रशासनिक स्तर पर जो है अखबार में और वो क्या नाम व्हाट्सएप पर सूचना दी जाती है, लेकिन एएसआई ने कोई सूचना नहीं दिया हम लोगों को। शुक्रवार की तरह ही शनिवार को भी करीब 7 घंटे तक ज्ञानवापी का सर्वे चला। मैपिंग और इमेजिंग के बाद आज सर्वे ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित 3 तहखानों में से एक तहखाना खोला गया, जिसमें कई सारे साक्ष्य जैसे स्वास्तिक, त्रिशूल और टूटे हुए खंभे मिले हैं। सर्वे के लिए 4 टीमें बनाई थी। 2 टीमों ने परिसर के पश्चिमी दीवार की जाँच शुरू की, 1 टीम को पूर्वी दीवार, दूसरी को उत्तरी दीवार व उससे जुड़े क्षेत्रों में जाँच के लिए लगाया गया। टीम ने इन दीवारों के साथ ही इमारत की बाहरी दीवारों के आसपास जीपीआर का उपयोग किया। प्रयास यह जानने का था कि बाहरी क्षेत्र में भी तहखाने हैं या फिर जमीन है। हाथ में लिए गए जीपीआर को जमीन पर इधर उधर घुमाकर विशेषज्ञ मशीन से मिल रही जानकारी दर्ज कर रहे थे। शाम 5 बजे सर्वे रोक दिया गया। 33 सदस्यीय टीम का नेतृत्व एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी आलोक त्रिपाठी ने किया। टीम में नापजोक विशेषज्ञ व जीपीआर हैंडलर अधिक है। सर्वे के उपरांत हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ज्ञानवापी में शनिवार को सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे दिन का कार्य समाप्त होने पर ज्ञानवापी से एएसआई की टीम रवाना हुई। उन्होंने बताया कि सर्वे के दूसरे दिन एएसआई टीम ने ज्ञानवापी का 3D इमेज तैयार किया। वहीं तहखाने की साफ सफाई करवाकर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और मैपिंग का काम किया गया। अनुपम द्विवेदी ने बताया कि पूर्व की तरह ही व्यास जी के तहखाने में कई अवशेष देखने को मिले हैं। पहले हुए कोर्ट कमीशन के सर्वे में इन अवशेषों का रिपोर्ट तैयार किया गया, लेकिन उस समय इसे किसी को भी छूने की परमिशन नहीं थी। अब एएसआई के सर्वे में कोई भी अवशेष मिल रहा है उसकी बेहद ही बारीकी से टीम देखरेख कर रही है और उसके बारे में जांच कर रही है। अधिवक्ता के अनुसार 1 या 2 दिन में एएसआई टीम जीपीआर से जांच करेगी, तब ज्यादातर चीजें क्लियर हो पाएंगी। एएसआई एक साइंटिफिक संस्था है, ठीक है। पिछली जो कार्रवाई थी उसमें हमें कोई चीज छूने का अधिकार नहीं था, बस एक नेकेड आई से जो दिखाई दे उसको पेपर पे लिख लीजिए। एएसआई जो है वो अभी आप रुक जाइए, अभी तो 1-2 दिन के अंदर जीपीआर आएगा। जब जीपीआर आएगा तो देखिएगा उससे चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये साइंटिफिक मेथड से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, जो एविडेंस एक्ट सेक्शन 45B में जो है वो एडमिसिबल है। तो इसलिए ये साइंटिफिक चीजें हैं, इसमें और पिछली कमीशन की कार्रवाई में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो सब बने हुए हैं, दीवार पे हैं और अंदर जो तहखाने उसमें भी बने हुए हैं। जीपीआर तो जो धरती के मतलब
अंदर जो काफ़ी अंतर रहता है उसका पता लगाएगा। बाहर ये सब तो खंडित मूर्तियाँ हैं और खंडित खंभे हैं, वो सब तो दिख ही रहे हैं। कमल जी, कमल का फूल त्रिशूल तो पहले से ही दिख रहा है। कमल का पुष्प जो कमल जिसे कहते हैं वो तहखाने के अंदर भी है, बाहर दीवार पे भी है, वो सब दिखते हैं। दीवार जैसी कलाकृतियाँ तहखाने के भीतर हैं क्या, ऐसा कुछ है? हाँ, अंदर बने हुए हैं, अंदर जो है स्वास्तिक बने हुए हैं, तहखाने के अंदर स्वास्तिक बना है, त्रिशूल बना हुआ है, आला बना हुआ है, टूटी हुई खंभे पड़े हुए हैं वहाँ पे, जो टूटे हुए हिस्से होते हैं वो सब पड़े हुए हैं। एक पश्चिमी दीवार पे बयाल जिसको बोलते हैं, वो आधा मनुष्य का शरीर होता है और आधा देव का शरीर होता है, उस तरह का भी बना हुआ है। बयाल जी की कोई मूर्ति होने की बात तो नहीं आई सामने अभी तक? अभी सामने नहीं आई है, आगे अभी बहुत सी जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। अभी थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। हाँ बिल्कुल, सहयोग मिल रहा है और हो रहा है। नहीं, चाबी उन लोग ने खुद खोला है, लेकिन सहयोग पूरा कर रहे हैं और आराम से सर्वे चल रहा है। शनिवार शाम को हुई बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बनारस में जगह जगह जल जमाव हो गया। पिछले 2-3 दिनों से जारी बारिश ने शनिवार को विकराल रूप धारण किया। लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन नगर के प्रमुख क्षेत्रों में जल जमाव से लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस जल जमाव के चलते नगर के प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम देखा गया। इस जल जमाव को देखते हुए लोग नगर निगम के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार पर तंज कसते नजर आए। लोगों का कहना था कि यह पहली बारिश तेज बारिश का नतीजा है, अभी आगे क्या होगा यह तो भगवान ही जाने। काशी को क्योटो के तर्ज पर संवारने के नाम पर यहाँ लाखों करोड़ों रुपए विकास के नाम पर खर्च कर दिए गए, लेकिन शहर के जल जमाव की समस्या से निदान के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। लोगों ने यह भी कहा कि इस अगस्त माह में G20 की बैठक होनी है, यदि उस समय इस तरह की तेज बारिश हो गई तो बड़ा ही संसार होना पड़ सकता है। शनिवार को तेज बारिश से गदौलिया, नई सड़क, लक्सा, रेवड़ी तालाब, रामापुरा, रविंद्रपुरी कॉलोनी, अंधरापुल आदि कई हिस्सों में करीब 2 फुट पानी लगा हुआ दिखा। ऐसे में इस जल जमाव से होकर आने जाने वाले कई वाहन बंद हो जा रहे थे। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाए। ज्ञानवापी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो सच है वो जांच के बाद खुद ही सामने आएगा। भोजपुरी स्टार व आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद उन्होंने ज्ञानवापी सर्वे पर कहा कि सच से किसी को घबराना नहीं चाहिए, न्यायालय के आदेश पर सच की जाँच हो रही है, इसके बाद जो सच होगा वह सामने आ जाएगा, इसमें सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए, इसमें किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है, भोले बाबा की कृपा हुई तो हम आ गए। उसमें किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए, जो सच है वो सामने आ जाए। कल मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ जबकि आदेश था कोर्ट का, हालांकि आज से शामिल होने की बात होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि सच से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सच की ही जांच चल रही है, जो सच है वो सामने आएगा, तो उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या राम मंदिर के जैसा यहाँ भी अब चीजें बदलेंगी अगर सच सामने आता है? मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका बताएगी, उसमें हम क्या कह सकते हैं।
दिनेश लाल यादव अपने तरीके से अगर राम मंदिर को लेकर तैयारियां कर सकते हैं तो क्या विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी आगे प्लानिंग होगी? चुनाव भी नजदीक है। मुझे लगता है चुनाव का इससे कुछ लेना देना नहीं है, और हम तो भोले के दीवाने हैं और सावन का महीना है, भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आ गए, उनकी कृपा हुई तो आ गए, हमारी क्या औकात है, हम कहाँ से आ पाते। लेकिन प्रभु की इच्छा हुई, हम आजमगढ़ जा रहे थे, वहाँ विकास कार्यों की आज बैठक है, तो हमारे मित्रों ने कहा कि अच्छा अवसर है, सावन का महीना है और भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा, तो हम लोग दर्शन करने चले। जलकल विभाग की अनियमित कार्यशैली को लेकर कचहरी स्थित जलकल विभाग पे वार्ड नंबर 95 के पार्षद समेत दर्जनों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। जलकल विभाग की वित्तीय अनियमितता को लेकर कचहरी स्थित जलकल विभाग कार्यालय पर वार्ड नंबर 95 की पार्षद समेत दर्जनों लोग धरने पर बैठे। पूर्व पार्षद रमजान अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज हम लोग 3 मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि जलकल में वर्तमान में ओटीएस लागू है, यहाँ के लिपिक हैं वो रजिस्टर में हेर फेर कर रहे हैं, असेसमेंट को घटा बढ़ा रहे हैं, जलकल के देवियों को लगातार कम करने का काम किया जा रहा है और विभाग को इनकी वजह से करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, हम लोगों की यह मांग है जो बाबू इस तरीके का काम कर रहे हैं उनकी जाँच कर उचित कार्यवाही की जाए। हम लोग 3 चीजों को लेकर यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं कि यहाँ पर लगातार वित्तीय अनियमितता की जा रही है, डिमांड रजिस्टर से छेड़छाड़ किया जा रहा है, और असेसमेंट को घटा बढ़ा करके बिल को कम किया जा रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए, और विभाग को लगातार इनकी वजह से करोड़ों का चूना लग रहा है। हम लोगों की ये मांग है कि जो बाबू इस तरीके का कार्य कर रहे हैं उनको उनके खिलाफ़ जांच की जानी चाहिए, और वर्तमान में जो नागेंद्र शर्मा है उनको जैतपुरा से हटाकर उनकी जब से जैतपुरा में आए तब से अब तक की डिमांड की जांच किया जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए। NSUI ने शनिवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने की खुशी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। शनिवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के सजा पर रोक लगाने की खुशी में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे NSUI जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी की जीत हुई, जिस तरह भाजपा हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर षड्यंत्र रच के उस षड्यंत्र की हार हुई, साथ ही साथ हमें न्यायालय पर भरोसा है, भारत लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। इस कार्यक्रम में NSUI के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक यादव, मानिक यादव, रजत सिंह, गौरव पटेल, प्रिंस यादव, प्रभु पटेल, रोहित, सोनू, लोरिक यादव, शिवम सेठ, अनुराग पाठक, सचिन, जतिन पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। भारत में हमेशा सत्यता की जीत हुई है, और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया राहुल गांधी जी के पक्ष में, उनकी सदस्यता बहाल होगी संसद की, साथ ही साथ जो भाजपा द्वारा एक तथागढ़ कथा रची गई थी राहुल गांधी के संस्था रद्द कराने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और उनके पक्ष में जो मामला था उनके पक्ष में आ गया है, और साथ ही साथ हम सभी NSUI साथियों ने खुशी का त्यौहार मनाया कि हमारे नेता की संस्था बहाल होगी, फिर से वो संसद जाएंगे, फिर से भाजपा के नेताओं से सवाल पूछेंगे, फिर से नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी बंद कराएंगे, फिर नरेंद्र मोदी की चुप्पी तोड़ी जाएगी। हम सभी लोगों ने मिठाई बांट कर उसको राहुल गांधी जी को बधाई दिया, सारे प्रशासनिक भवन हमें सभी छात्र छात्राओं मिठाई बांटा है और सभी हम लोग खुशियों का त्यौहार मना रहे हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों के अंदर लोकतंत्र समझ विकसित हो, जिसको लेकर संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराजपुर में अंतर विद्यालयी युवा संसद विमर्श 2023 का आगाज हुआ। विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों के भीतर लोकतांत्रिक समझ विकसित कराते हुए संसदीय कार्य प्रणाली व अनुशासन के मूल्यों को आत्मसात कराता अंतर विद्यालयी युवा संसद विमर्श 2023 का शनिवार को संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कोईराजपुर हरौआ में भव्य आगाज हुआ। इस युवा संसद के उद्घाटन समारोह में पधारे विशिष्ट अतिथियों में सौरभ श्रीवास्तव, विधायक कैंट वाराणसी, पूनम मौर्या जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कौशलेंद्र सिंह पूर्व महापौर वाराणसी के
पदार्पण ने विद्यार्थियों में अजस्त्र ऊर्जा का संचार किया। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम के आरंभ की औपचारिक उद्घोषणा के पश्चात विद्यार्थियों की निर्धारित कमेटियों में वाद विवाद, परस्पर संवाद एवं त्वरित वाक पटुता का जो दृष्टांत दिखाई दिया वह अपने आप में विलक्षण था। उल्लेखनीय है कि इस वृहद युवा संसद में कुल 11 समितियों में विभिन्न विद्यालयों से लगभग 600 से ज्यादा विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इनमें प्रमुख समितियां लोकसभा, राज्यसभा, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी, नीति आयोग, जनमंच, उत्तर प्रदेश विधानसभा, स्थानीय प्रतिनिधि संवाद तथा संविधान सभा है। सभी समितियों का संचालन हर क्षेत्र के अनुभवी कार्यकारी बोर्ड द्वारा संचालित होगा जो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आकर इस युवा संसद में सम्मिलित होंगे और अपना निष्पक्ष निर्णय देंगे। इस युवा संसद का उद्देश्य हर एक युवा को एक जागरूक नागरिक बनाना है। विशिष्ट अतिथि सौरभ श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यार्थियों के भीतर सबसे पहले ज्ञान अर्जन आवश्यक है और राजनीति की सही समझ द्वारा उनमें देश के संचालन एवं कुशल वाद विवाद की क्षमता विकसित होगी। पूनम मौर्य ने महिला शिक्षा एवं उनकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। कौशलेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को समझाया कि अंतर्दृष्टि के बिना लोकतंत्र संभव ही नहीं है। हमारे युवा अच्छी शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत आधार दे सकते हैं। संस्था सचिव राहुल सिंह ने कहा कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग कमेटी पूरे भारत में पहली बार इस युवा संसद के माध्यम से संज्ञान में आई है, जिसका उन्होंने भरपूर सराहना की और उन्होंने विद्यार्थियों में राजनीति की समझ के साथ कैरियर बनाने और ज्ञानार्जन पर भी बल दिया। संस्था के सह निदेशक आयुष्मान सिंह ने पधारे सभी विशिष्ट जन एवं अभ्यागतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। युवा संसद का आयोजन किया है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश के बच्चों को, जो इस देश का भविष्य है, जिन्हें कल इस देश को संभालना है, समय पर राजनीति की जानकारी दिया जाना, संसदीय परंपराओं और मूल्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। अतुलन ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विमर्श इस कार्यक्रम का नाम है। यूथ पार्लियामेंट का एक रूप है जिसमें बच्चों को ये बताया जाएगा, जो आने वाले भविष्य के वोटर हैं वो आपस में विमर्श करेंगे। विमर्श का मतलब डिस्कशन होता है। वो डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी चलती है, किस प्रकार से सदन चलता है, किस प्रकार से विधानसभा चलती है, किस प्रकार से मिनी सदन, जिसको हम नगर निगम का बात कहते हैं, किस प्रकार से नगर निगम चलता है। इस पर बच्चे बहस करेंगे, उसकी कार्यप्रणाली को जानेंगे, कानून पारित करेंगे, कानून की अच्छाई और बुराई को देखेंगे, किस कानून में कितनी कमी है इसको देखेंगे। यही उद्देश्य है इसका, बच्चों में जागरूकता लाना। लायंस क्लब के तत्वाधान में जीवनदीप शिक्षण समूह की ओर से कजरी महोत्सव का आयोजन हुआ। लायंस क्लब के तत्वाधान में जीवनदीप शिक्षण समूह की ओर से कजरी महोत्सव का आयोजन जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग में शनिवार को प्रातः 11:30 बजे से शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर लायंस क्लब गोदावरी वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सावन माह की पहचान है कजरी लोकगीत, लेकिन समय के साथ यह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। वातावरण सूना सूना लग रहा है। हर मौसम में अलग अलग लोकगीतों का अपना अलग महत्व होता था, जो अब नहीं सुनने में मिल रहा है। 4 दशक पहले सावन महीने में रोपनी शुरू होती थी तो महिलाएं पारंपरिक कजरी गीत गाती थी। आगे चलकर लायंस क्लब के सचिव डॉक्टर ममता सिंह ने कहा कि सावन का महीना कब आकर चला जा रहा है पता ही नहीं चलता, लेकिन आज की पीढ़ी के कानों तक कजरी के बोल नहीं पहुंच पाते हैं। आधुनिकता के इस दौर में हम सबको मिलकर कजरी जैसे लोकगीतों को फिर से समाज के बीच वापस लाना है। कार्यक्रम का संचालन अलका सिंह ने किया तथा इस अवसर पर महाविद्यालय के शिक्षा संकाय की शिक्षिकाएं उपस्थित थी। नमामि गंगे ने अपनी टीम के साथ पंचकोशी परिक्रमा करने वाले यात्रियों पर पुष्प वर्षा की, साथ ही जल संरक्षण का संदेश देकर चक्र पुष्करणी तालाब की आरती उतारी। 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाली पंचकोशी परिक्रमा के यात्रियों पर शनिवार को नमामि गंगे ने पुष्प वर्षा की। तीर्थों में सर्वोच्च मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड की आरती उतार कर जल संरक्षण की कामना की गई। नमामि गंगे के सदस्यों ने काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में पचकोसी यात्रियों को अंग वस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया। पचकोसी यात्रियों पर पुष्प वर्षा के दौरान मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र हर हर महादेव, बोलबम और जय शिव शंकर के घोष से गुंजयमान रहा। तकरीबन 3300 वर्ष पुरानी 85 किलोमीटर लंबी
पचकोसी परिक्रमा पथ के यात्री चक्र पुष्करणी कुंड की आरती कर सम्मान पाकर गदगद नजर आए। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। नमामि गंगे टीम ने गंगा किनारे मणिकर्णिका तीर्थ व चक्र पुष्करणी कुंड के आसपास सफाई की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सावन भगवान भोलेनाथ का महीना है। सावन माह में पचकोसी परिक्रमा को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना और अश्वमेघ यज्ञ कराने जैसा पुण्य लाभ मिलता है। पुराणों में कहा गया है, इदम मम प्रिय क्षेत्रम पचकोशी परिमितः, यानी 5 कोस तक विस्तृत यह क्षेत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, पंकज अग्रहरी, सरस्वती देवी, सितारा देवी, चंपा देवी, निर्मला देवी, श्वेता गुप्ता, झिंकू, अनीता आदि उपस्थित रहे। 100 वर्ष पुरानी पंचकोशी यात्रा पर जाने वाले जो यात्री हैं, पंचकोशी यात्रा करते हैं, उनके साथ इस चक्र पुष्करणी कुंड की आरती उतारी है, पुष्प वर्षा की है, उनको अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया है। यह एक आध्यात्मिक कार्य आज इस मणिकर्णिका तीर्थ जो कि पूरी अविमुक्त काशी क्षेत्र के आनंद वन के नाम से जाना जाता है, जहां देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर स्वयं यहां निवास करते हैं, ऐसे तीर्थ स्थल पर हमने पंचकोशी यात्रियों का सम्मान करके आज काशी में होने वाली पंचकोशी यात्रियों को अंगवस्त्रम प्रदान करके काशी की महिमा को आगे बढ़ाते हुए काशी को एक सम्मानित रूप से सभी महिलाओं का सम्मान किया है। काशी नगरी में सावन के पवित्र महीने में वृहद पार्थिव पूजन एवं शिव महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू हुआ। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में वृहद पार्थिव पूजन एवं शिव महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। यात्रा दशाश्वमेध घाट से पुराण पूजन करके कथा स्थल पहुंची। सायं 4 बजे से कथा का शुभारंभ प्रख्यात संत प्रखर जी महाराज NR किए। कथा में रविशंकर महाराज ने बताया कि अन्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रोता प्रतिदिन आ रहे हैं। भस्म आरती पंचवटी आश्रम के विशेषता है, इस आरती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक भक्त जमा होते हैं। सप्त दिवसीय कथा में प्रातः पार्थिव पूजन के दौरान भस्म आरती व गुलाल आरती और सायं शिव विवाह, नंदी उत्सव, गणेश उत्सव और गंगा अवतरण की दिव्य छटा भक्तों का मन मोह लेती है। आयोजन का मुख्य आकर्षण यही दिव्य प्रयोजन है। कथा की पूर्णाहुति के उपरांत 11 अगस्त को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में अंतर्राष्ट्रीय शिव संवाद का आयोजन है, जिसमें देश और विदेश से शिव भक्त भाग लेंगे। कई प्रदेश के विद्वान वक्ता कणकड़ में शिव को विभिन्न माध्यम से स्थापित एवं सिद्ध करेंगे। मनोरंजन और मनोहारी संवाद देश और विदेशों में शिव की सार्थकता प्रमाणित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिव संवाद की श्रृंखला की शुरुआत काशी से हो रही है। इसके बाद काठमांडू के साथ दुनिया भर के अन्य देशों में शिव संवाद श्रृंखला शुरू की जाएगी। 4 तारीख को प्रारंभ हुई है, 10 तारीख को कथा का विश्राम होगा और इसके बाद हमारे श्रीदेव महाराज जी के द्वारा एक कॉरिडोर में कार्यक्रम है, 11 तारीख को संपन्न करा के हम लोग प्रस्थान करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।